बांदा में बड़ा नाव हादसा हुआ है, यमुना नदी में डूबी है नाव, 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग इस नाव में सवार थे। सीएम योगी ने दिए हैं राहत और बचाव के निर्देश। सीएम योगी ने हादसे पर शोक भी जताया है। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर असोथर थाना क्षेत्र के रामनगर कौहन यमुना घाट से आवश्यकता से अधिक सवारियों को भरकर चली नाव यमुना नदी के बीच धारा में डूब गई। बताया ये जा रहा है कि नाव में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, नाव पर 15 के करीब बाइक भी लदी हुई थी और इस हादसे में 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बांदा से अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या कुछ अपडेट है अभी? अभी आपसे बता दूं कि ये जो हादसा है, ये मरका थाना क्षेत्र से एक नाव जा रही होती है, जिसे अब क्योंकि बाढ़ का पानी ज्यादा था और हथनी बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण ज्यादा बारिश होने के वजह जो नाव अचानक बीच नदी में जैसे पहुंचती है, वैसे ही वो भंवर में फंस के डूब गई, जिससे कि बताया जा रहा है कि लगभग इसमें दो दर्जन से अधिक लोगों की जान गई, लेकिन लगभग इसमें बताया गया 3 दर्जन लोग डूबे हैं, जिसमें कई लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कई शव भी बरामद किए जा चुके हैं। और ये जो नाव है, ये कौहान और असोथर के लिए फतेहपुर जा रही थी, उसी दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू कार्य जारी है। जी रहिए आप हमारे साथ। फतेहपुर से अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, फतेहपुर जा रही थी नाव, वहां के लोगों के डूबने की खबर है क्या? जी देखिए, बता दें कि ये एकदम बॉर्डर का इलाका है, रामनगर कौहन गांव पड़ता है, वहां से यमुना पट्टी के उस पार मरका थाना पड़ता है बांदा जनपद, वहां से हमेशा नाव से सवारियों का आवागमन होता था। इधर बीच प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया था, इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे ऐसी नावों को लेकर जाते थे जिसमें मात्रा से अधिक सवारियां बैठती थी, गाड़ियां भी उसमें रखी जाती थी, और इसी दौरान वो नाव बांदा जनपद की तरफ से वापस फतेहपुर की तरफ आ रही थी कि तभी बीच धारा में नाव पूरी डूब जाती है, जिसमें राहत और बचाव कार्य जारी है। जी अवनीश, कहा यह जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा लोग बैठे थे और यहाँ पर 50 से ज्यादा, कितने लोग बैठ सकते थे नाव में और कितने ज्यादा लोग बैठे हुए थे? जी देखिए, बता दें जो प्रशासन के जो आंकड़े हैं, वो एक नाव छोटी नाव में 20 लोगों के बैठने की अनुमति दी जाती है, लेकिन यहाँ पे छोटी नाव में 40 लगभग लोग बैठते हैं, उसके बाद उसमें कुछ गाड़ियां भी लादी जाती हैं, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारी लापरवाही बरतते हैं नाव चलाने वाले और जो नाव में सफर करते हैं। इन दिनों यमुना नदी का पानी जो है बढ़ा हुआ है, जिससे उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और हवा की वजह से नाव डिसबैलेंस हो जाती है और एकदम से वो डूब कर बैठ गई है। जी बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बांदा के हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग इस नाव में सवार थे वो फतेहपुर जा रहे थे और उसी दौरान बीच में ये हादसा हो गया, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और कई बाइक भी इस पर सवार थी, ले जा रहे थे लोग अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा रहे थे, और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अतुल मिश्रा हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारी चूंकि मंडल मुख्यालय से दूरी ज्यादा होने की वजह से तो अधिकारियों को भी पहुंचने में और यहां पर जो जिले की टीम पहुंचने में देरी आई, लेकिन स्थानीय पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से यहां पर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद हालांकि एक बच्चे का, एक महिला का, कई शव बरामद हो चुके हैं, ऐसी जानकारी भी। और दूसरा आपसे बता दूं कि प्रशासनिक अमला पूरा पहुंच चुका है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन चूंकि बारिश का पानी है, बाढ़ ज्यादा है और गंदा पानी जो है, इतना बरसाती पानी होने की वजह से इतना पानी का गंदा पानी है, जिसके चलते रेस्क्यू में बहुत परेशानी आ रही, लेकिन लगातार प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं और लगातार जो है नाव और लोगों की तलाश चल रही है। महिलाएं और बच्चे भी इसमें सवार थे? जी निश्चित तौर पर इसमें महिलाएं और बच्चे भी सवार थे, कई गाड़ियां भी थी। यहाँ पर जब नाव जाती है तो यहाँ पर मवेशियों तक को ले जाते, क्योंकि स्थिति ये होती है कि जब नाव वाले जाते हैं तो उसमें जो 20 से 22 लोगों से ज्यादा लेके नहीं जाया जाता, लेकिन इसमें मानक से पूरा जाए तो उसमें वजन भी काफी होता है, क्योंकि 10-10, 20-20 बाइकें भी रहती हैं और उसमें यहाँ तक कि मवेशियों को भी ले जाने का काम नाव से किया जाता है, तो निश्चित तौर पर एक आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है जब तक कि कोई जो उनके नाव में सवार व्यक्ति ही
इस पर कुछ नहीं बोलता। तब तक नाव में कितने लोग बैठे, यहाँ तक कि देख रहे कि 70-80 लोगों को बैठा के नाव से पार कर जाता, तो निश्चित तौर प्रशासन भी अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति जीवित। तुम कुछ आंकड़ा मिल पाया है कि कितने लोगों का रेस्क्यू हो पाया है या फिर कुछ बॉडीज मिल पाई है आप बता रहे थे? जी निश्चित तौर पर कुछ डेड बॉडी मिली है, जिसमें कुछ बच्चे, एक बच्चा और एक महिला का शव मिल चुका है। उसके बाद अभी तक चूंकि पूरे चूंकि रेस्क्यू किया जा रहा है, तो अभी ये कह पाने मुश्किल है कि कितने लोग डेथ निकल रहे हैं या कितने लोग वो निकल रहे हैं जो जिनकी हालत गंभीर है, लेकिन रेस्क्यू चालू है। और लगभग प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पे पुलिस की माने तो ऑफ रिकॉर्ड उनका ये कहना है कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग इस घटना में। लेकिन अतुल, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इतने लोगों को नाव पर रोज बैठाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया इससे पहले या फिर किसी तरह की रोक क्यों नहीं लगाई गई? जी निश्चित तौर पर बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से चूंकि लोगों को तो नाव से पार करना ही है, तो कहीं ना कहीं चूंकि अभी तक दिक्कत ज्यादा थी, लेकिन अब अवकाशी भी पुल बन चुका है, उसके बावजूद भी अगर नावें चल रही है, लोग शॉर्ट कट ढूंढ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करके और शॉर्ट कट अपना रहे हैं, और जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं पुलिस की और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की भी इसमें लापरवाही जरूर है कि उन्होंने इतना बड़ा हादसा और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इतनी ज्यादा बाढ़ होने के बावजूद आखिर नाव चल कैसे रही, इतने लोगों को लेकर के नाव कहां जा रही थी। और 2 जनपद, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ बांदा, लेकिन बांदा और फतेहपुर जनपद के जो नदी के किनारे के जो थाना, चाहे सोसर हो चाहे मरका हो, कहीं ना कहीं इनकी पुलिस और इन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही जरूर है। क्या जानकारी क्या मिल पा रही है, ये लोग रहने वाले कहाँ के थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, कुछ पता चल पाया है? निश्चित तौर पर आपसे बता दूं कि ये जो लोग हैं ये सब तटीय क्षेत्र के ही हैं, दोनों नदियों के किनारे के गांव जिसे कौहान है असोथर थाना क्षेत्र के, लगभग ये आधा दर्जन जो गांव है वहीं के लोग ज्यादातर यहां से आते थे, जो कि जिनके लिए रास्ता सुगम नहीं था, और कुछ मरका थाना की जो तटीय क्षेत्र है जैसे इंगुआ मऊ है इनके, लेकिन अभी तक कुछ भी आंकड़े प्रशासन दे पाने में असमर्थ है, क्योंकि जब तक कुछ लोग निकल के नहीं आते हैं तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन अतुल चलाया जा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्या रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, रेस्क्यू करने में लोगों को? जी निश्चित तौर पर, जिस तरह से ये सर जो बगल पर ही यहाँ पर एक हथनी बैराज कुंड है जहाँ से पानी अभी ही छोड़ा गया है, क्योंकि बारिश ज्यादा हुई और उसकी वजह से जल पानी छोड़ा गया, तो अचानक से बहाव तेज हो गया है और काफी मात्रा में पानी में जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पर उसके चलते काफी समस्याएं आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बांदा में बड़ा हादसा हुआ है, नाव हादसा हुआ है, इसमें तकरीबन 20 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं और 50 से ज्यादा लोग इस पे सवार थे, गाड़ियां भी इस पे सवार थी। जो छोटी नाव हैं, प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई है कि 20 लोगों से ज्यादा आप नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन इस नाव पे जो जानकारी मिल पाई है उसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। चूंकि बारिश हो रही है और नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और विजिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि बारिश का पानी है, गंदा है, और ऐसे में विजिबिलिटी नहीं है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कतें आ रही है। दूरस्थ इलाका है तो अधिकारियों को पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर अपडेट यह है कि अभी फिलहाल लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक बच्चा और एक महिला का शव बरामद किया गया है, लेकिन अभी भी 18 से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर बांदा से हम आपको बता रहे हैं। यमुना नदी में नाव डूबी है और इसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 20 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, गोताखोर लगे हुए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, और बांदा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं।